बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टैटिस्टिक्स में टॉपिक है हमारे पास बाइनोमियल, पायसान और हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। इनके हम फार्मूले लिखेंगे और साथ साथ इसके मीन और वेरिएंस भी मैं आपको बताऊंगी। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है पी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स एन कम्बिनेशन एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। इसी तरह से इसमें जो मीन निकालते हैं, मीन का फार्मूला होता है एन पी वेरियंस एन पी क्यू। इसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें इक्वल होता है एन पी क्यू का अंडर रूट। अब सेकंड नंबर पे है पायसान डिस्ट्रीब्यूशन। पायसान डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं ई की पावर माइनस म्यू म्यू की पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल। प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस भी म्यू की पावर एक्स डिवाइड एक्स फैक्टोरियल। इसी तरह से इसका मीन म्यू के इक्वल होता है वेरियंस पे म्यू के इक्वल होता है स्टैंडर्ड डेविएशन म्यू का अंडर रूट आ जाता है। नंबर थर्ड पे है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। हाइपर ज्योमेट्रिक इसका फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू एक्स के कॉम्बिनेशन एक्स एन माइनस के एन माइनस एक्स डिवाइड एन कॉम्बिनेशन एन। अब इसका जो मीन होता है वो आप इस तरह से याद रख लें कि ये एन पी के इक्वल है और यहाँ पर पी की जगह पर आपके पास के बाय एन है। आपने इसको बाइनोमियल वाले स्टाइल से पी मीन इज इक्वल टू एन पी याद रखना है, फिर एन पी की जगह पर आपने के बाय एन। तो इसका फार्मूला हमारे पास मान जाता है एन के बाय एन, लेकिन आप इसको एन पी से याद रखें, पी की जगह पर के बाय एन पुट कर लें तो इस तरह से ईजी हो जाता है। इस तरह से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एन के बाई एन होता है और इसी तरह से इसका वेरियंस आप पहले इस तरह से याद रख लें एन पी क्यू इस तरह इजी हो जाता है एन माइनस एन एन माइनस वन। तो ये अपने बाइनोमियल वाले मेथड से एन पी क्यू याद रखा, फिर उसके बाद विदाउट विदाउट रिप्लेसमेंट के जो फैक्टर होता है वो वाला आप याद रख लें। तो आप इस पे पुट कर लें एन पी है हमारे पास के बाई एन, क्यू हमारे पास वन माइनस पी होता है ना, वन माइनस पी यानी कि वन माइनस अब इसमें क्यू हमारे पास होता है वन माइनस पी के बाई एन। यहाँ पर आप सॉल्व करके लिख लें शक एन एन माइनस के, तो ये हमारे पास होता है एन माइनस के बाई एन। इसी तरह से ये फिर विदाउट रिप्लेसमेंट वाला फैक्टर एन माइनस एन एन माइनस वन लिख लें। तो इस तरह से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरियंस ऐसे इक्वल आ जाता है। आपने क्या याद रखना है एन पी क्यू, फिर विदाउट रिप्लेसमेंट वाला फैक्टर एन माइनस एन एन माइनस वन, एन को इसी तरह से लिखा पी की जगह पर के बाई एन, क्यू की जगह पर ही आपने वन माइनस पी को सॉल्व करके इधर लिख लिया एन माइनस के। और साथ इस तरह से देखें डायरेक्ट अगर आप लिखते तो वेरियंस का आपको टफ लगता, लेकिन आपने इस टाइप से लिख लिया सॉल्व करके तो आप इजी नहीं। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर के फार्मूले पढ़ेंगे।